हाय हाय दीपू, हाय बोल सबको। हाय बोल, ये हाय बोल दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है कि मेरा मोबाइल पानी में भीगने की वजह से मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग जो है नहीं हुआ है, ऑडियो सिर्फ वीडियो आया है। सो जस्ट वॉइस ओवर कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे दीपू के जो बाल हैं बहुत बड़े हो गए हैं। हम लोग उसको लेके सैलून आए हैं, और यहाँ पे सैलून में बहुत ज़्यादा गर्दी होने की वजह से हम लोग यहाँ पे बाहर खड़े हैं, ठीक है, वेट कर रहे हैं हमारे क्यू का। अभी हमने इसका जो बाल काटा था फर्स्ट टाइम, वो 3rd मंथ में एज ए मुंडन सेरेमनी में हमने इसका बाल निकाला था। देन उसके बाद 3 to 4 months, अबाउट टू 5 और 6 months में हमने घर पे ही कैंची से ही बाल काटे थे, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कोई सैलून खुला नहीं था। ये सिंपली भगवान के बाल है, और ये जो सैलून है हम यहाँ पे जाने वाले हैं अभी थोड़ा देर में, ठीक है। तो अभी बाल इतने बड़े हो गए हैं कि उसको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, गर्मी हो रही है। तो या ये हाय हाय हाय, हर थोड़ा हाय बोलने पर भी ये एकदम एक्साइटेड हो जाती है हाय बोलने के लिए। या सो दीपू से समथिंग। तो यहाँ पे देखना है उसका भी बिफोर द लुक, ये है, इतने सिल्की और इतने क्यूट बाला दिख रहे हैं। अभी पूरा प्लेन टकला करने के बाद कैसा लुक आता है, ठीक है, तो जस्ट देखते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बाल दिखाऊँ तो सी ये जो बड़े हैं जो कान में जाते हैं, तो क्या होता है सिंपली ये नींद में फैन की हवा से भी बाल अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाता है उठ जाती है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग इसका बाल कट कर रहे हैं। सोचा था साइड से कट करें, बट ऑलरेडी सैलून वाले ने मना कर दिया कि ये कैंची वीची हम यूज़ नहीं कर सकते, सिंपली आपको ट्रिम करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे लोग हम लोगों को ऐसा अलाउड नहीं है।
Hey, so finally here is the look, टकला लुक, गुंडो गोपाल लुक, हमारे दीपू के प्यारे बाल चले गए हैं. सो चलो चलते हैं अपने घर पे और दिखाते हैं दादी को ये लुक क्या. हेलो, देखो आ गई तुम्हारी दीपू विद न्यू लुक, गुंडू गोपाला टकलू जो भी कहो. हे टकलू, ए ए भगाओ गाड़ी भगाओ. कहाँ रखा खुशी बंदू? खुशी बंदू पड़ा माँ. बंदू कहले बेटा बंदू. अरे कुड़ता कुड़ता कुड़. तस तस तस. हाय बोल. कोई पूछ रहा है कि बेबी क्या कर रही है. दिखा उसको. चॉकलेट के साथ खेल रही है. सबको मुंह फाड़ के मुंह दिखा रही है. ए ए ए